हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं तू आके देख ले सॉन्ग के बारे में। सो इस चीज़ से तुम्हें कॉर्ड्स बताऊंगा, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉर्नर पड़ा तुम्हारा गिटार उठा लो एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले बढ़ते हैं कॉर्ड्स की तरफ। कॉर्ड्स हमारे रहने वाले हैं ई माइनर, दिस इज ई माइनर, अवर नेक्स्ट कॉर्ड इज डी मेजर एंड दिस इज डी मेजर, and our last chord is C major and this is C major. So yes, these are your basic chords. और मैं जल्दी से तुम्हें strumming बताता हूँ कि strumming क्या रहने वाली है। So our strumming will be down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, अप अप डाउन। सो दिस इज योर बेसिक कॉर्ड्स एंड बेसिक स्ट्रमिंग। और अब मैं जल्दी से तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम ओरिजिनल स्केल पे गाना चाहते हो तो तुम्हें लगेगा कैपो। कैपो को प्लेस करना तुम फोर्थ फ्रेट पे और यहाँ पे सेम कॉर्ड्स प्ले करना, तुम्हारा ओरिजिनल स्केल हो जाएगा। और अगर तुम लो स्केल में गाना चाहते हो तो कैपो को थर्ड पे लगाओ, सेकेंड पे लगाओ, फर्स्ट पे लगाओ या बिना कैपो के गाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। बट अगर ओरिजिनल पे गाना है तो फोर्थ पे कैपो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे सेम कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग अप्लाई करो और गाना तुम्हारा प्रोसीड हो जाएगा। सो मैं जल्दी से तुम्हें स्ट्रमिंग और कॉर्ड्स के साथ थोड़ा सा गा के बता देता हूँ गाना कैसे प्रोसीड करेगा। सो लेट्स बिगिन। मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनी है सोनी है तू आके देख ले। मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, मुझे सिर्फ यही लाइन्स आती हैं इस गाने की। बट इस तरह तुम इस गाने को पूरा प्रोसीड कर सकते हो। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। होपफुली तुम्हारी कुछ हेल्प होगी मेरी वीडियो से। अगर हेल्प हुई तो तुम मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।